गतिविधियां फिलहाल ठहर सी गई हैं। सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनकी विधायकी को लेकर राज्यपाल रमेश बैस के मंतव्य का इंतजार किया जा रहा है। राज्यपाल ने अपनी अभी तक भारत निर्वाचन आयोग को अपना मंतव्य नहीं भेजा है। उम्मीद की जा रही है कि राजभवन आज अपना मंतव्य भेज सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी तक ना तो राजभवन और ना ही ईसी ने कोई आधिकारिक जानकारी दी है। बहुत पहले से ये जानकारियां मिल रही थी कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में ईसी ने सुनवाई की थी, एक सील बंद लिफाफा रांची भेजा गया था, ऐसी खबरें थी। लेकिन इसको लेकर अभी तक फिलहाल कोई खुलासा हुआ नहीं है। ना तो राज्यपाल कुछ कह पा रहे हैं और ना ही कोई आधिकारिक जानकारी इसके बारे में है। फिलहाल आपको पता ही है घटनाक्रम जो है झारखंड में संकट भी है, क्योंकि जब ये मंतव्य सामने आएगा तो कहा जाता है कि सीएम की जो विधायकी है वो रद्द हो जाएगी। और इसको लेकर भी जो सरकार है वो पहले से ही रणनीति तैयार कर चुकी है। आपको याद होगा नेतरहाट डैम में किस तरीके से सैर सपाटे पर निकल गए थे तमाम विधायक 3 बसों में सवार होकर। तो राजभवन हालांकि कहा जा रहा है कि आज अपना मंतव्य भेज सकता है, और आज जब मंतव्य सामने आएगा तो जाहिर सी बात है जिस चीज का लंबे समय से इंतजार हो रहा है उस पर खुलासा भी हो जाएगा। क्योंकि लंबे समय से कहा जा रहा है कि एक चिट्ठी सीलबंद लिफाफे में जो निर्णय है ईसी का वो पहुंच चुका है राजभवन, लेकिन अभी तक इसे खोला नहीं गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रांची से जुड़ रहे हैं आशीष तिवारी। आशीष, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक क्या जानकारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि राज्यपाल आज अपना मंतव्य भेज सकते हैं। जी कमरुद्दीन, आपको बता दूं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर लगातार जो है सस्पेंस बरकरार है, जहां आपको बता दूं कि चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले और आज 5वां दिन है, चुनाव आयोग द्वारा अपना फैसला जो है वो राजभवन में भेज दिया गया था बंद लिफाफे में। जो बंद लिफाफे का जो सुर्खियों में बातें सामने आई थी, राज्यपाल ने उसे पढ़ भी लिया है मगर अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। उसको लेकर सस्पेंस हालांकि पक्ष हो या विपक्ष हो सब में बरकरार है। आपको बता दूं कि 4 दिनों से महागठबंधन की बैठक जो वो ताबड़तोड़ बैठक की जा रही है, और कल देर रात चौथे दिन महागठबंधन के कई मंत्री विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार ने अपनी आक्रोश जाहिर की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी फैसला आया है वो सार्वजनिक करे, उसको लेकर राज्य सरकार अपनी पूरी तैयारी की गई है, मगर किसी न किसी ओर से भारतीय जनता पार्टी और भारत केंद्र सरकार पर राज्य सरकार का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उनकी ओर से हॉर्स ट्रेडिंग मामले को बढ़ावा दिया जा रहा है, विधायकों की खरीद फरोख को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। हालांकि महागठबंधन की नेताओं द्वारा ये भी बात बयान दिया गया है कि हमारी पार्टी जो है वो पूरी तरह से मजबूत है, हमारे सभी विधायक एक है, और उसको लेकर ताबड़तोड़ बैठक भी की जा रही है, रणनीति भी बनाई जा रही है। 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि सभी विधायक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बस में बैठकर वो खूंटी गए थे, डैम में गए थे, दिन भर वहां पर अपनी दिन बिताई थी, और उसके बाद देर शाम रांची आ गए थे। मगर कहीं ना कहीं घबराहट जो है महागठबंधन में भी बरकरार है, क्योंकि अब तक जो राजभवन से यह फैसला नहीं आया है कि क्या कुछ चुनाव आयोग द्वारा फैसला दिया गया है। हालांकि जिस तरह के आरोप अब महागठबंधन की ओर से विपक्ष पर लगाए जा रहे हैं, तो बीजेपी का भी साफ तौर पर दावा है, उनका कहना है कि किसी पर वो दबाव नहीं बना सकते हैं। हाँ। जैसा कुछ राजभवन निर्णय लेगा उसके बाद विपक्ष भी अपना काम करेगी। हालांकि कहीं ना कहीं ये जिस तरह से आज 5वां दिन है और अब तक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अभी तक कोई निर्णय राजभवन से नहीं दिया गया है, उसको लेकर महागठबंधन के नेताओं में हालांकि सस्पेंस बरकरार है। मगर एक और बात बता दूं कि आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन का भी फैसला चुनाव आयोग द्वारा लिया जा सकता है। उन पर भी सेम यही मामला सामने है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले पर उन पर भी बसंत सोरेन पर भी सुनवाई हो सकती है और फैसला लिया जा सकता है चुनाव आयोग द्वारा। तो हालांकि महागठबंधन की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, मगर महागठबंधन के तमाम नेता जो है वो एकजुटता का परिचय देकर कहीं ना कहीं विपक्ष के जो प्रयास है उसको दरकिनार करते हुए वो अपनी बरकरार, उनका जो कहना है कि साफ तौर पर राजभवन। आशीष, आपको याद होगा जो भी फैसला, आशीष आपको याद होगा जो महागठबंधन अपनी, जी महागठबंधन के सारे विधायक खूंटी चले गए थे, नेतरहाट डैम चले गए थे इससे सपाटा करने के लिए 3 बसों में सवार होकर, और फैसला आया नहीं उसके पहले ही तमाम तरह की रणनीतियां तैयार कर ली गई हैं। जाना चाहूँगा संकट कितना है सरकार पर, अगर लिफाफा खुलता है, अगर मंतव्य सामने आता है तो क्या क्या रणनीतियां रहेंगी।
देखिए साफ तौर पर यही कहना था, कल देखिए चार दिन के बाद चौथा दिन था कल और आज पांचवा दिन है, अब तक कोई इस तरह का निर्णय नहीं आया है। फैसला क्या कुछ चुनाव आयोग द्वारा भेजा गया है राजभवन में उसको सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिसको लेकर पक्ष हो या विपक्ष दोनों में सस्पेंस जो है वो बरकरार है। मगर साफ तौर पर बता दूं कि कल देर रात मुख्यमंत्री आवास पर महागठबंधन के तमाम विधायक हो, मंत्री हो और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने बैठक की और शाम को करीब 8 से 9 के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर केंद्र सरकार और भाजपा के ऊपर कई आरोप लगाए गए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा, महागठबंधन के जो मंत्री और विधायक है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी निर्णय हो हम उनका स्वागत करते हैं, वो निर्णय सार्वजनिक करे, जिस तरह से अगर वो सार्वजनिक करते हैं उसके बाद जो है आगे की रणनीति हमारी तैयार होगी। मगर कहीं ना कहीं आज जो बता दूं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन पर भी चुनाव आयोग फैसला ले सकता है, सेम यही मामला है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। मगर आपको बता दूं कि राज्य सरकार अपनी मजबूती जो है वो लगातार दिखा रहा है और 45 से 50 विधायकों का लगातार जो है उनके मुख्यमंत्री आवास पर बैठक की जा रही है और उनका साफ तौर पर कहता है जो भी बिल्कुल आशीष, मुख्यमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो ये भी कह चुके हैं कि राजभवन में उनका गला रेतने के लिए आरी बनाई जा रही है, उनकी कुर्सी छीनने के लिए हर तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका अपडेट देने के लिए। तो चलिए बढ़ते आगे एक